न्यूज से आगाह करते चले। शाहिद हुसैन नक्शबंदी ब्यूरो चीफ ग्रेट न्यूज बिहारी की रिपोर्ट के मुताबिक बूरेवाला रोड अड्डा कसमसर के पास बस और ऑयल टैंकर में तसादुम। रेस्क्यू 1122 बिहारी को इतला मिलते ही एम्बुलेंसेज और फायर टेंडर रेस्क्यू व्हीकल रवाना कर दी। रेस्क्यू 1122 बिहारी की 4 एम्बुलेंसेज फायर टेंडर और रेस्क्यू व्हीकल जाए वकुआ की तरफ रवाना। स्टेशन कोऑर्डिनेटर सजाद अहमद नेहरा तमाम ऑपरेशन की कमांड कर रहे हैं। हादसा में 10 मुसाफिर जख्मी हुए। 8 मुसाफरों को फौरी तौर पर फर्स्ट एड फराहम करते हुए फ्री कर दिया और 2 शदीद जख्मी मुसाफरों को फौरी तौर पर फर्स्ट एड फराहम करते हुए अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर दानिश खलील की जेर निगरानी तमाम एरिया कॉर्डन ऑफ कर लिया गया और एम्बुलेंसेज फायर टेंडर और रेस्क्यू व्हीकल को जाए वकुआ पर ही रोक दिया ताकि इंजीनियर दानिश खलील की हदायत पर बस बूरेवाला की तरफ से आ रही थी और ऑयल टैंकर बिहारी से बूरेवाला की तरफ जा रहा था। मौके पर मौजूद मुसाफिरों और लोगों के मुताबिक बस ओवर स्पीड होने की वजह से हादसा पेश आया। जख्मी होने वालों में मोहम्मद इकराम वल जाफर अली उम्र अली हुसैन वल मोहम्मद सरवर 68/12 एल सफिया बीबी डॉक्टर चराग अली रिहायशी 19WB खुशनूद अहमद वल मकबूल अहमद रिहायशी मुल्तान शुएब अख्तर 68/12 एल नसीम बीबी डॉक्टर मोहम्मद रमजान समीना जोजा अतीक रिहायशी पाक पतन अनाया डॉक्टर मोहम्मद हनीफ आमना बीबी जोजा मोहम्मद रमजान अकमल वल अकबर अली।